का सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा था हमने। हाँ इंट्रोडक्शन ऑक्सीजन पढ़ा नहीं था, ऑक्सीजन का सिर्फ क्या हुआ था, इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था हमने, राइट। तो प्रैक्टिकल्स लिखना स्टार्ट कर दिया आपने? हाँ हो गया सर कंप्लीट। वेरी गुड। सो अभी हमें क्या पढ़ना है, वी विल स्टार्ट विद ऑक्सीजन, जस्ट अ मिनट। सो ऑक्सीजन का प्रिकर्सर कौन है, हु इज द प्रिकर्सर ऑफ ऑक्सीजन? ऑक्सीजन का प्रिकर्सर चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन नहीं, नहीं प्रिकर्सर बेटा, प्रिकर्सर डिस्कवर किसने किया वो नहीं। ट्रिप्टोफैन, वेरी गुड ज्ञानेश्वरी, ट्रिप्टोफैन राइट। तो ऑक्सीजन का प्रिकर्सर है ट्रिप्टोफैन। सो नाउ लेट अस सी द फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट डाउन फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ ऑक्सीजन। सो व्हाट आर द फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, फिजियोलॉजिकल फंक्शन मतलब काम क्या करता है बेसिकली, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के फंक्शंस क्या है। एक मिनट में हम स्टार्ट करते हैं। मेरी स्क्रीन विजिबल है, माय स्क्रीन इज विजिबल टू यू? यस सर। ओके एक मिनट। हाँ लैपटॉप हैंग हो रहा है, एक मिनट। सो ऑक्सीजन, और कोई बता सकता है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्लांट हार्मोन, प्लांट हार्मोन की डेफिनेशन क्या है? हार्मोन्स आर बेसिकली केमिकल, दे आर द केमिकल मैसेंजर्स, मैसेंजर हाँ, प्रोड्यूस बाय द सेल्स, प्रोड्यूस बाय द सेल्स और ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स, it is produced by the cells or group of cells. So what are the physiological functions of auxin, physiological functions of auxin? What are the physiological functions of auxin? So the first function is auxin promotes growth in stem and coleoptile. ऑक्सीजन प्रमोट्स ग्रोथ इन स्टेम एंड कोलियोप्टाइल एंड रूट्स, स्टेम कोलियोप्टाइल एंड रूट्स। तो ऑक्सीजन कहाँ कहाँ पर ग्रोथ प्रमोट करता है? इट प्रमोट्स ग्रोथ इन स्टेम कोलियोप्टाइल एंड रूट्स। तो ऑक्सीजन क्या करता है बेटा, देखिए एक ग्राफ देखना है हमें। ऑक्सीजन लीड्स टू, राइट इट डाउन, ऑक्सीजन क्या काम करता है? ऑक्सीजन लीड्स टू एसिडिफिकेशन ऑफ सेल वॉल्स, एसिडिफिकेशन ऑफ सेल वॉल, ऑक्सीजन लीड्स टू एसिडिफिकेशन ऑफ सेल वॉल।
दैट एक्टिवेट्स एसिड, दिस एसिडिक पीएच एक्टिवेट्स व्हाट दे एक्टिवेट एक्टिवेट्स एन एंजाइम एक्सपांसिन. एसिडिक पीएच कौन से एंजाइम को एक्टिवेट करती है? एसिडिक पीएच एक्टिवेट्स एन एंजाइम कॉल्ड एज एक्सपांसिन. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एक्सपांसिन? एक्सपांसिन कैसा? एक्सपांसिन ये देखिए ऑक्सीजन का, देखिए ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन लीड्स टू एसिडिफिकेशन ऑफ सेल वॉल. जब ऑक्सीजन आता है तो ऑक्सीजन क्या करता है, सेल वॉल जो होती है उन सेल वॉल का एसिडिफिकेशन कर देता है. एसिडिफिकेशन करना मतलब उसकी पीएच को कम करेगा कि बढ़ाएगा. एसिडिफिकेशन मीन्स डिक्रीज इन द पीएच. पीएच डिक्रीज इन पीएच. ओके सो एसिडिफिकेशन लीड्स, एसिडिफिकेशन मीन डिक्रीज इन पीएच. एसिडिक पीएच जब हो जाएगी ऑक्सीजन की वजह से. कौन है मोनिका बेटा, आप एक तो ऐसी जगह पर बैठो जहाँ पर शोर नहीं है, या तो फिर आप खुद को म्यूट कर लो, क्योंकि जो रिकॉर्डिंग होती है उसमें फिर सारा शोर जाता है. तो ऑक्सीजन लीड्स टू एसिडिफिकेशन, एसिडिफिकेशन मीन्स डिक्रीज इन पीएच. और फिर यहाँ पर क्या होगा कि एसिडिक पीएच की वजह से देर इज एक्टिवेशन ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड एज एक्सपांसिन. यहाँ पर एक एंजाइम का एक्टिवेशन होगा जिसका नाम है एक्सपांसिन. वंस द एक्सपांसिन इज एक्टिवेटेड, एक बार यहाँ पर एक्सपांसिन का एक्टिवेशन हो गया. वंस दिस एक्सपांसिन इज एक्टिवेटेड द एक्सपांसिन डिग्रेड्स सेल, और इट डिग्रेड्स सेल वॉल फाइबर्स. जो आपके सेल वॉल के फाइबर्स होते हैं, सेल लूज होता है, इसको डिग्रेड करता है. सेल वॉल लूज हो जाती है, लूजनिंग ऑफ सेल वॉल, लूजनिंग ऑफ द सेल वॉल. सेल वॉल क्या हो जाती है ऐसी कंडीशन में, लूज हो जाती है. सो लूजनिंग ऑफ सेल वॉल. सेल अपटेक्स वाटर, सेल अपटेक्स वाटर. सेल वाटर का अपटेक करती है और क्या होती है, सेल इनलार्जमेंट. देयर इज सेल इनलार्जमेंट. और एक बार सेल की इनलार्जमेंट हो गई, वंस देयर इज सेल इनलार्जमेंट मीन्स सेल की साइज इंक्रीज हो गई, और साइज इंक्रीज हो गई तो उसके बाद में क्या होगा, देयर इज सेल वॉल रीफॉर्मेशन. सेल वॉल रिफॉर्मेशन. ओके देयर इज सेल वॉल रिफॉर्मेशन. इज इट क्लियर? तो क्या करता है ऑक्सीजन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन? एनीवन? ऑक्सीजन लीड्स टू, इट लीड्स टू एसिडिफिकेशन ऑफ सेल वॉल. इट लीड्स टू एसिडिफिकेशन ऑफ सेल वॉल. सेल वॉल एसिडिफिकेशन होगा तो फिर कौन एक्टिवेट हो जाएगा? एक्सपांसिन. एक्सपांसिन किसको डिग्रेड कर देगा? सेल वॉल के फाइबर को. सेल वॉल लूज हो जाएगी, वाटर का अपटेक होगा, सेल की इनलार्जमेंट होगी, सेल वॉल रिफॉर्मेशन, इसकी वजह से सेल की जो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगी. ओके ठीक है. जस्ट अ मिनट, रूट एंड शूट ग्रोथ. देखिए बेटा, और एक चीज हमें पढ़नी है यहां पर.
आप लोगों को ग्राफ एनालाइज करते आते हैं, यस और नो? क्या आप लोगों के पास ये एबिलिटी है कि आप किसी सर किसी ग्राफ को एनालाइज कर सको? यस देखते हैं हम क्या होता है, ग्राफ को कैसे पढ़ना है ये देखते हैं। तो ऑक्सीजन का एक काम होता है कि ऑक्सीजन क्या करता है, बेसिकली ऑक्सीजन जब कम पीएच पर होता है, ऑक्सीजन जब कम कॉन्सेंट्रेशन में होता है, व्हेन ऑक्सीजन इज इन लेस कॉन्सेंट्रेशन द ऑक्सीजन विल एक्टिवेट द रूट ग्रोथ। ऑक्सीजन जब बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में होता है तो ऑक्सीजन रूट ग्रोथ को प्रमोट करता है, ऑक्सीजन जब हाई कॉन्सेंट्रेशन में होता है तो ऑक्सीजन शूट की ग्रोथ को प्रमोट करता है और रूट की ग्रोथ को इनहिबिट करता है। ठीक है, उसी चीज को अभी हम देखते हैं कि हमने जो जो अभी कहा है उसको ही देखते हैं। बेटा आप लोग अगर शोर में हो, आपको 10 बार बोल रहा हूँ, अगर आप लोग शोर में हो तो अपने आप को म्यूट रखना है। अगर आपको कुछ बोलना है तो ही अनम्यूट कीजिए, जब तक आपको कुछ बोलना नहीं है तब तक आप खुद को म्यूट रख सकते हो। आपकी वजह से क्लास को डिस्टर्ब ना हो ये चीज़ ध्यान में रखो। अभी कोई राने थे, उसका फ़ोन ऑन था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब ये ग्राफ को कैसे पढ़ना है कि लो कॉन्सेंट्रेशन में ऑक्सीजन क्या कर रहा है। लो कॉन्सेंट्रेशन में ऑक्सीजन लीड्स टू रूट ग्रोथ, जब ऑक्सीजन कम कॉन्सेंट्रेशन में है तो रूट ग्रोथ हो रही है, ऑक्सीजन हाई कॉन्सेंट्रेशन में है तो हाई कॉन्सेंट्रेशन में है शूट ग्रोथ। तो यहां पर दो चीजें होती है, शूट ग्रोथ होती है और साथ ही साथ यहां पर इनहिबिशन ऑफ रूट ग्रोथ। ऑफ रूट ग्रोथ इनहिबिशन ऑफ द रूट ग्रोथ। तो जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन कम हो तो शूट ग्रोथ हो, जब रूट ग्रोथ होगी, ऑक्सीजन ज्यादा हो तो शूट की ग्रोथ होगी और रूट की ग्रोथ इनहिबिट होगी। ठीक है, इधर दिख रहा है आपको, देखिए ग्राफ में देखिए, इधर ये रूट की ग्रोथ है, यहां पर जब ऑक्सीजन कम कॉन्सेंट्रेशन में है तो रूट की ग्रोथ हो रही है, जब ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो रूट की ग्रोथ कम हो गई और शूट की ग्रोथ प्रमोट हो गई। ओके, सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन, के ऑक्सीजन लीड्स टू द इनलार्जमेंट इन द सेल साइज। ओके, साइज बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट मूवमेंट इज फोटोट्रोपिज्म। व्हाट इज फोटोट्रोपिज्म? फोटोट्रोपिज्म इज अट्रैक्शन ऑफ टुवर्ड्स लाइट। फोटोट्रोपिज्म इज, हाँ, अट्रैक्शन बोलने से इज मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवर्ड्स लाइट, मूवमेंट या फिर हम कह सकते हैं ग्रोथ ऑफ प्लांट टुवर्ड्स लाइट। ग्रोथ ऑफ प्लांट टूवर्ड्स लाइट। अब ऑक्सीजन का जो डिस्कवरी था वो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट की वजह से ही तो हुआ था। डार्विन ने क्या किया, बेसिकली जो फोटोट्रॉपिज्म का एक्सपेरिमेंट किया था कि उसने लाइट को इंसिडेंस किया था और लाइट को इंसिडेंस करने के बाद में फिर उसने ये बताया था कि
कि जहाँ पर लाइट इंसिडेंस होता है उसके अपोजिट साइड में, उसके अपोजिट साइड में यहाँ पर प्लांट की ग्रोथ होती है, मतलब वहाँ पर ऑक्सीजन बढ़ता है और फिर जहाँ पर लाइट पड़ता है उसके साइड में प्लांट की ग्रोथ होती है। तो ये दिख रहा है आपको कि पॉट है, पॉट के अंदर प्लांट है, अगर पॉट गिर गया तो भी प्लांट सीधे सीधे रेज होता है टूवर्ड्स द लाइट, जहाँ से लाइट पड़ रहा है वहाँ पर प्लांट की ग्रोथ होती है। एंड दिस इज़ ड्यू टू वॉट, दिस इज़ ड्यू टू द इन्फ्लक्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वजह से ये चीज़ें होती हैं। सो दिस इज़ द फोटोट्रॉपिक मूवमेंट ड्यू टू द लाइट। ऑक्सीजन का दूसरा फंक्शन है, इट लीड्स टू द फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। थर्ड इज अ ग्रेविट्रॉपिज्म, ऑक्सीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेविट्रॉपिज्म। Now what is gravitropism? It is the growth towards gravity. जहां पर gravity है वहां पर अगर growth हो रही है तो उसे हम कहते हैं gravitropism. That is called as gravitropism. उसे हम कहते हैं gravitropism. So what is gravitropism? Gravitropism means तो ऑक्सीजन का एक काम क्या है, ऑक्सीजन का एक काम है कि ये शूट्स को लाइट की तरफ ग्रो कराता है और रूट को, रूट को किधर ग्रो कराता है, ये रूट को ग्रेविटी, ग्रेविटी के तरफ ग्रो कराता है। ओके तो इसकी एक एक देख, यहाँ पर एक डायग्राम देख लेंगे। तो ऑक्सीजन का नेक्स्ट फंक्शन क्या है बेटा, इट लीड्स टू द मूवमेंट ऑफ रूट्स टुवर्ड्स द ग्रेविटी। ठीक है, ओके तो ग्रेविट्रॉपिज्म भी इसका एक काम है। तीसरा है थिग्मोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म मीन्स मूवमेंट टुवर्ड्स टच सेंसेशन, राइट इट डाउन। द थर्ड वन नहीं, फोर्थ वन इज थिग्मोट्रॉपिज्म, फटाफट लिखना है, बहुत सारे हार्मोन्स हैं, हमें सारी चीज़ें जल्दी जल्दी पढ़नी है। तो थिग्मोट्रॉपिज्म, इट इज मूवमेंट ऑफ प्लांट टूवर्ड्स अ सॉलिड सपोर्ट आप लोगों ने कितने लोगों ने क्लाइंबर्स देखे हैं, क्लाइंबर्स वेल पहला है ना, अपन वेल है ना। तो क्लाइंबर्स क्या होते हैं बेटा, ये लोग क्या करते हैं कि किसी एक प्लांट पर, ये किसी एक प्लांट पर या किसी सपोर्ट पर ये क्या करते हैं, ये अपने आप को, इसकी टेंड्रिल्स होती है ना, देखी होंगी आपने टेंड्रिल्स। यस सर, ये दिख रहा है आपको इमेज में, इमेज दिख रही है स्क्रीन पर। यस सर। तो ये भी मूवमेंट किसकी वजह से होती है, दिस मूवमेंट इज ड्यू टू द ऑक्सीजन। थिग्मोट्रॉपिज्म वाली मूवमेंट भी किसकी वजह से होती है, ऑक्सीजन की वजह से ही होती है। इज इट क्लियर? तो जो टेंड्रिल्स हैं, अगर वो टेंड्रिल्स कहाँ पर ग्रो कर रहे हैं, इफ द टेंड्रिल्स आर ग्रोइंग टूवर्ड्स द टच सेंसेशन, तो फिर यहाँ पर कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, Who is responsible here? Who is responsible Oxygen. here? Oxygen is responsible. Oxygen.
ठीक है। तो ये अब शायद आपको इमेज की वजह से ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना, आपके जो इमेजेस आती है उसकी वजह से आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि इसका मीनिंग क्या है। क्योंकि इमेज आती है तो हमारे सामने दो चीज़ें आ जाती है, एक तो ऑडियो और दूसरा विजुअल। तो हमारे सामने जब भी आप थिग्मोट्रोपिज्म कहोगे तो थिग्मोट्रोपिज्म का मतलब होता है कि ग्रोथ टुवर्ड्स द सॉलिड सपोर्ट, या अब कितने नंबर का पॉइंट है हमारा, 5 नंबर का पॉइंट है। अब है मेंटेनेंस ऑफ ऑफ अपाइकल डोमिनेंस, देखिए एक पे या आप हो, कौन है, खुशी आप में से कोई या आप खुद, ठीक है। अब आपके घर में एक प्लांट है जिसको हम बोलते हैं कड़ी पत्ते का प्लांट है ना, मीठे नीम का प्लांट है। अब ये जो मीठे नीम का प्लांट है बेसिकली ये आपने जब लगाया तो ये प्लांट इतना बड़ा था, हमने इस प्लांट को यहाँ पर लगाया और आप इसको पानी देते गए, पानी देते गए तो फिर इसके पत्ते भी तोड़ते गए। फिर एक दिन बाद में ये प्लांट देखा आपने, कुछ सालों कुछ दिन बाद कुछ महीने बाद ये प्लांट की हाइट आपके हाइट कितनी होगी, हाँ जो प्लांट है इसकी हाइट आपके हाइट कितनी होगी, और अभी भी ये प्लांट ग्रो कर रहा है, द प्लांट इज स्टिल ग्रोइंग, ओके। तो ये प्लांट अभी भी ग्रो कर रहा है और ग्रोथ कहाँ पर हो रही है, इसकी अपेक्स में। लेटरल जो बर्ड्स हैं वो लेटरल बर्ड्स इतनी तेज़ी से ग्रो नहीं हो रहे, लेटरल बर्ड मतलब ये। फिर आप ये जो प्लांट है ये बढ़ते बढ़ते एक दिन ऐसा हो जाएगा, आप लोगों के घर पे हुआ भी होगा कि ये मीठे नीम का जो प्लांट है ये प्लांट अभी ये इतना ऊंचा हो गया, और इतना ऊंचा जब प्लांट हो गया तो इसके जो पत्ते हैं वो सारे पत्ते कहाँ पर आ रहे हैं, बेसिकली आपके हाइट के बाहर आ रहे हैं। तो अब फिर क्वेश्चन आता है आपको कि यार अब मैं क्या करूँ, अब ये पत्ते कैसे तोड़ूँ, है ना। तो प्लांट की हाइट बढ़ते जा रही है और कहाँ पर बढ़ रही है, जो इसका शेंडा होता है इसको बोलते हैं अपेक्स, है ना, अपेक्स बोलते हैं। तो अपेक्स तेजी से बढ़ता है इसलिए प्लांट की हाइट बढ़ती है, क्या बढ़ता है इसका, अपेक्स बढ़ता है तो उसकी हाइट बढ़ती है, ओके। प्लांट का अपेक्स बढ़ता है तो उसकी हाइट बढ़ती है। अब अगर ये अपेक्स यहाँ पर एक्टिव है, ठीक है, एपेक्स अगर एक्टिव है तो प्लांट की हाइट ऊपर सीधे सीधे बढ़ती रहेगी। अगर आपको ये करना है कि प्लांट की हाइट को मेंटेन रखना है, आपके हाइट की इतना ही रखना है, तो क्या बोलते हैं घर वाले, आपके घर पे भी बोला होगा आपको कि शेंडा खोड़ा, ऐसा कितने लोगों ने सुना है। कोई फ्लावरिंग प्लांट होता है उसकी अगर हाइट बढ़ने नहीं देना है हमें तो घर वाले क्या बोलते हैं कि उसको, उसका ये जो शेंडा होता है जो एपेक्स होता है ये एपेक्स को कट कर दो, कट द एपेक्स, इसको बोलते हैं शेंडा खोड़ने। है ना, तो शेंडा खुड़ून टाकला अपन। अब शेंडा खुड़ून टाकला तो यहां पर क्या हुआ कि फिर प्लांट की ग्रोथ कैसे हुई, फिर जो प्लांट की ग्रोथ है वो कैसे हुई बेटा, लेटरल साइड में हुई। मतलब अब प्लांट ऐसे नहीं बढ़ा, प्लांट की ग्रोथ अब कैसे हुई, लैटरल ग्रोथ हुई, ठीक। तो आपने शेंडा खुड़ के क्या ब्लॉक कर दी, यू यू हैव ब्लॉक्ड वर्टिकल ग्रोथ। आपने कौन सी ग्रोथ ब्लॉक कर दी बेटा, वर्टिकल ग्रोथ यहां पर ब्लॉक कर दी, है ना, ये समझ में आ रहा है। तो ये जो यहां पर, अब देखिए यहां पर क्या होता है बेसिकली कि ऑक्सिन जो है ये अपाइकल डोमिनेंस के लिए कैसे काम करता है, हाउ द ऑक्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपाइकल डोमिनेंस। ऑक्सिन, राइट इट डाउन, ऑक्सिन मेंटेन्स अपाइकल डोमिनेंस, ऑक्सिन मेंटेन्स अपाइकल डोमिनेंस, ऑक्सिन मेंटेन्स अपाइकल डोमिनेंस,
बाय इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ लैटरल बर्ड्स एंड प्रमोटिंग लिख रहे हो कि नहीं एंड प्रमोटिंग द एंड प्रमोटिंग द ग्रोथ ऑफ एंड प्रमोटिंग द ग्रोथ ऑफ एक्सिलरी ब्लड ऑक्सिन क्या करता है कि जो जो टिप होती है उसकी ग्रोथ कराता है, और टिप की ग्रोथ कराएगा तो प्लांट की हाइट बढ़ेगी। ठीक है, ओके, इमेज दिख रही है। ऑक्सिन लीड्स टू द प्रमोशन ऑफ अपाइकल डोमिनेंस। तो ऑक्सिन का और एक फंक्शन है कि ऑक्सिन क्या करता है, अपाइकल डोमिनेंस कराता है। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ ऑक्सिन इज ऑक्सिन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सिन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ लैटरल एंड एडवांटेजियस रूट। ऑक्सिन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ लैटरल एंड एडवांटेजियस रूट। और ऑक्सिन का एक मेन फंक्शन क्या है, ऑक्सिन ब्लॉक्स ग्रोथ ऑफ प्राइमरी रूट। तो प्राइमरी रूट क्या होता है बेटा, जो मेन रूट होता है ना, जो सबसे बड़ा रूट होता है। आप लोगों ने जब प्लांट देखा होगा, कोई प्लांट के रूट्स देखे होंगे, तो उसके अंदर आप लोगों ने ये देखा होगा कि जो प्लांट के रूट होते हैं, एक मेन रूट होता है ऐसे, है ना, ये मेन रूट होता है। और यहां से क्या आते हैं सारे, ये अगर आपका प्लांट है तो एक मेन रूट होता है, और ये सारे होते हैं लैटरल रूट्स, ये होते हैं लैटरल रूट्स। तो ऑक्सिन क्या करता है, ऑक्सिन इसकी ग्रोथ को ब्लॉक कर देता है, ये जो मेन रूट है, मेन रूट की ग्रोथ को ऑक्सिन ब्लॉक कर देता है। और कौन से रूट्स की ग्रोथ को प्रमोट करता है, ऑक्सिन प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ लैटरल रूट्स, इट प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ लैटरल रूट्स। इज इट क्लियर? तो ऑक्सिन लैटरल रूट्स को डेवलप कराता है और मेन रूट को ब्लॉक करता है। ठीक है, अब आप लोगों को दो टर्म आ रही है, एक टर्म है एडवांटेजियस रूट और एक टर्म है, देर आर टू टर्म्स, वन इज एडवांटेजियस रूट और एक है लैटरल रूट। तो क्या होता है देखते हैं, एडवांटेजियस रूट किसे कहते हैं। देखिए, आपके रूट के दो टाइप्स हैं सपोज, या यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो दो टाइप्स की बात कर रहे हैं। एडवांटेजियस रूट ये सॉइल के सरफेस के ऊपर होते हैं, एडवांटेजियस रूट्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नॉन रूट टिश्यू, दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द, राइट इट डाउन, एडवांटेजियस रूट्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नॉन रूट टिश्यू, दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नॉन रूट टिश्यू, ओके, एडवांटेजियस रूट आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नॉन रूट टिश्यू। तो इस स्टेम से ओरिजिनेट होते हैं, कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, स्टेम से। और लैटरल रूट्स कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, हेलो,
यस सर, यस सर। हाँ बेटा, लैटरल रूट कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? स्टेम। वेरी गुड। लैटरल रूट नहीं, लैटरल रूट कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? तो लैटरल रूट जो है, ये लैटरल रूट रूट टिश्यू से ओरिजिनेट होते हैं। कहाँ से? रूट टिश्यू से। एडवांटेशियस रूट कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? एडवांटेशियस रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द, राइट इट डाउन, दर अबोव सॉइल ओरिजिनेट्स फ्रॉम नॉन रूट टिश्यू। ओके, है ना बेटा? और लैटरल रूट दे ओरिजिनेट फ्रॉम कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? रूट टिश्यू। लैटरल रूट किससे ओरिजिनेट होते हैं बेटा? रूट के टिश्यू से। ओके, तो ये हो गया आपका, ये हो गया, ये प्राइमरी रूट है, मतलब मेन रूट है, जिसको हमने मेन रूट बोला है ना, प्राइमरी रूट। और ये जो साइड वाले हो गए लैटरल रूट्स हो गए, ठीक है। तो अपाइकल डोमिनेंस रूट्स का फॉर्मेशन कराता है, ऑक्सिन डिलेज एब्सिशन, ऑक्सिन डिलेज व्हाट इज एब्सिशन? एब्सिशन का मतलब क्या होता है? शेडिंग ऑफ द शेडिंग ऑफ लीव्स द शेडिंग ऑफ लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम द लिविंग प्लांट इज नोन एज एब्सिशन। है ना? या इसको दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं? लीफ फॉल, फ्रूट फॉल, है ना, फ्लावर्स फॉल होना, इट इज कॉल्ड एज एब्सिशन। ओके, सो ऑक्सिन क्या करता है? ऑक्सिन डिलेज एब्सिशन। ऑक्सिन क्या करता है? इट डिलेज एब्सिशन। उसके बाद में फिर ऑक्सिन का और एक फंक्शन है, ऑक्सिन लीड्स टू वैस्कुलर डिफरेंशिएशन। कितने नंबर का पॉइंट है? 8 नंबर का होगा शायद। ऑक्सिन लीड्स टू वैस्कुलर डिफरेंशिएशन। अब दो वैस्कुलर टिश्यू हैं, देर आर टू वैस्कुलर टिश्यू, कौन कौन से? जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड, वेरी गुड, फ्लोएम, फ्लोएम। देर आर टू वैस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, तो जब अगर टिश्यू है और इसको हाई ऑक्सीजन दे दे तो ये क्या बना देता है? जाइलम। और अगर टिश्यू को लो ऑक्सीजन दे तो ये क्या बना देता है? टिश्यू को अगर हाई ऑक्सीजन मिला तो क्या बनाएगा? जाइलम। जाइलम, जाइलम क्या करता है बेटा? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जाइलम? कंडक्शन ऑफ वाटर। की फूड नहीं, वाटर। कितने लोगों को लगता है कि जाइलम वाटर कंडक्ट करता है? मी।
अच्छा मी को लगता है कोई तू है, नहीं तुम्हें लगता सर, है xylem is for the conduction of water, water. okay phloem is for the conduction of food 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 food, food. कोण आहे रे, कोणाला चेव आला रे, कोण आहे बरब दे ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पर दो चीजें देखनी थी ना, तो ठीक है। तो ऑक्सीजन राइट डाउन द नेक्स्ट थिंग, ऑक्सीजन फ्रूट सेट। इससे पहले लिख दो, ऑक्सीजन वर्क्स एज हर्बिसाइड्स, ऑक्सीजन वर्क्स एज हर्बिसाइड्स, ऑक्सीजन कैन बी यूज्ड एज हर्बिसाइड, राइट डाउन, ऑक्सीजन कैन बी यूज्ड एज हर्बिसाइड। हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, high concentration of auxin leads to growth, leads to death of, high concentration of auxin leads to death of dicot plants, it leads to the death of dicot plants. ओके तो अगर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाए तो ऑक्सीजन क्या करा देता है, इट लीड्स टू द डेथ ऑफ डाइकॉट प्लांट्स। तो क्या पॉइंट है कि ऑक्सीजन कैसे यूज कर सकते हैं हम एज अ हर्बिसाइड, ऑक्सीजन कैन बी यूज एज हर्बिसाइड अगेंस्ट विच प्लांट, कौन से प्लांट के अगेंस्ट, एज हर्बिसाइड डाइकॉट प्लांट। हेलो, हाँ हाँ, इट वर्क्स एज हर्बिसाइड अगेंस्ट डाइकॉट्स। और हर्बिसाइड के लिए यूज किया जाने वाला जो कमर्शियल कमर्शियल ऑक्सिन है हर्बिसाइड है, उसका नाम है 2,4-D। सर थोड़ा बेटा आप नेटवर्क में नहीं हो, जो कमर्शियल हर्बिसाइड है उसका नाम है 2,4-D, 2,4-D, 2,4-D स्टैंड फॉर द 2,4 कल बताया था ना इसका नाम। हेलो हेलो सर, हाँ बेटा आवाज नहीं आ रहा है मेरा, आवाज नहीं आ रही है। शांति बनाए रखे यार, अगर मैं नेट, अब मैं नेट भी चेंज नहीं कर सकता क्योंकि मैं मीटिंग से लेफ्ट हो जाऊंगा अगर मैं मेरा ब्रॉडबैंड ये चेंज करूंगा, इंटरनेट कनेक्शन चेंज करूंगा तो फिर मैं मीटिंग से लेफ्ट हो जाऊंगा। ओके ठीक है, सो 2,4-D इज यूज्ड एज कमर्शियल हर्बिसाइड अगेंस्ट डाइकॉट्स। ओके मोनोकॉट्स एक, सो व्हाई नॉट मोनोकॉट्स, क्वेश्चन ये आना चाहिए ना कि डाइकॉट के अगेंस्ट ये हर्बिसाइड का काम करता है तो मोनोकॉट के अगेंस्ट क्यों नहीं। सो मोनोकॉट्स हैव एबिलिटी टू स्टोर, टू इनएक्टिवेट एक्सेस ऑक्सीजन मोनोकॉट्स हैव एबिलिटी टू इनएक्टिवेट एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन एक्सेस में चला गया है उसको कौन इनएक्टिवेट कर देता है, मोनोकॉट। ओके हेलो हेलो
हेलो हेलो आवाज नहीं यस आता सर, लग रही है आवाज। बेटा, अभी क्या कर सकते हैं, नेट का प्रॉब्लम है शायद मेरे साइड से। हेलो सर। हेलो हेलो, सर ये तो आवाज सर बोला। ठीक है बेटा, अगर नहीं भी होगा ना तो मेरे इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग है। हेलो, हेलो हाँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। ओके, ओके सर, हाँ तो आपको यस रिकॉर्डिंग सर। अवेलेबल होगी, तब तक लेक्चर में कंटिन्यू करें, लेक्चर छोड़कर भागना नहीं, आवाज़ नहीं आ रही इसलिए। ओके यस सर। तो ऑक्सिन वर्क्स एज हर्बिसाइड अगेंस्ट व्हाट? डाइकॉट प्लांट। इट वर्क्स एज हर्बिसाइड अगेंस्ट डाइकॉट प्लांट्स। ओके, तो ये काम होता है ऑक्सिन का। मैं एक इमेज देख रहा हूँ कि शायद अगर वो इमेज मिल गई तो फिर बेटर होगा आप लोगों के लिए समझने के लिए। ठीक है, तो ये है, ये ऑक्सिन के फंक्शंस है। नेक्स्ट हार्मोन इज, अगला हार्मोन कौन सा है? साइटोकाइनिन? जिबरलिन नहीं, मैं नहीं सर, साइटोकाइनिन जिबरलिन पढ़ाऊंगा। कौन सा हार्मोन है? साइटोकाइनिन। द नेक्स्ट हार्मोन इज साइटोकाइनिन। राइट डाउन द हार्मोन साइटोकाइनिन। मेरी आवाज आ रही है क्लियरली कि नहीं आ रही? हो ये तो सर। एता है ना, आता नहीं आली तरी एडजस्ट करूंगी आज के दिवस। तो नेक्स्ट हार्मोन इज साइटो साइटोकाइनेंस। साइटोकाइनिन का मतलब होता है सेल डिवीजन। दीज हार्मोन्स लीड्स टू दीज हार्मोन लीड्स टू व्हाट? सेल, इट लीड्स टू द सेल डिवीजन। क्या कराता है ये? सेल डिवीजन कराता है। द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ साइटोकाइनिन इज इट लीड्स टू द सेल डिवीजन। द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ साइटोकाइनिन इज इट लीड्स टू द सेल डिवीजन। एक मिनट वेट करना है मुझे, आपको एक इमेज, एक पीपीटी बताना है। ठीक है, वहाँ से फिर आगे बढ़ेंगे। सो राइट डाउन, द साइटोकाइनिन इज डिराइव फ्रॉम एडेनिन। द साइटोकाइनिन इज डिराइव फ्रॉम एडेनिन। किससे डिराइव होता है? इट इज डिराइव फ्रॉम एडेनिन। एडेनिन नाम सुना है कहीं पर? हेलो हेलो हेलो, हेलो
नो को काई का सर आगे सर आगे हेलो हेलो